व्हाट्सअप गाइस, तो यार आ चुका मेरे को न्यू इंस्टाग्राम का ट्रेंडिंग स्टेटस वीडियो लेकर के। ऐसा स्टेटस वीडियो आपने इंस्टाग्राम पे ज़रूर देखा होगा, अगर अब तक आपने नहीं देखा तो यार आप इसको देखने वाले हो, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में चलने वाला है। और मैं आप लोगों को बहुत पहले बता देता हूँ ताकि आप लोग पहले बना लो और आपकी वीडियो वायरल हो जाए। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ना इस वीडियो को एंड तक देखना है, ठीक है। और आपको कैपकट एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, वो आपको यूट्यूब पे या फिर आप गूगल पे सर्च कर लेना, आपको मिल जाएगा। अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर लेना, ठीक है। और आप लोगों को अब तक तो मालूम हो चुका होगा, फिर भी मैं आपको बता दूँ कि कैपकट को यूज़ करने के लिए आपको एक VPN भी यूज़ करना पड़ता है, और वो VPN कोई सा भी हो सकता है, लेकिन आपको फर्स्ट टाइम ही यूज़ करना पड़ता है, बाद में आप VPN को डिलीट कर देना। बाकी आप VPN कोई सा भी यूज़ करो, और आपको एक बार किसी भी सर्वर पर कनेक्ट कर लेना, ठीक है। तो आप टर्बो यूज़ कर सकते हो, बाकी मेरा सजेस्ट यही कहता है, ठीक है। अब इसके बाद में ना आप लोगों को कैपकट एप्लीकेशन को ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको वीडियो को लाइक करना है, क्योंकि अगर आप लोग वीडियो लाइक ही नहीं करते जाकर देख लो, वीडियो लाइक नहीं करते। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करके जाना, लाइक तो ज़रूर से करना, ठीक है। अब इसके बाद आपको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद में ना आपको यहाँ पर न्यू प्रोजेक्ट पर जाना है। न्यू प्रोजेक्ट पर जाने के बाद में ना आप लोगों को यहाँ से अपने कितने आपको 23 फोटोज़ को ऐड कर देना है, ठीक है। जैसे कि अभी आप देख सकते हो, मैं यहाँ से 23 फोटोज़ को ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। जैसे कि अभी आप देख सकते हो, आपको अपने बेस्ट फोटोज़ को ऐड कर लाना जो आपको कम से कम 23 हो, ठीक है। चलो मैं जल्दी से ऐड कर लेता हूँ। अब गाइस जैसे कि आप देख सकते हो, मैंने यहाँ से सारे 23 फोटोज़ को ऐड कर लिए, ठीक है। ऐड करने के बाद में ना आप लोगों को क्या करना है, आपको हर एक फ़ोटो पे क्लिक करना है। फोटो पे क्लिक करने के बाद आपको अपने फ़ोटोज़ को यहाँ से, आपके फ़ोटो इस तरीके से हो सकता है या इस तरीके से हो सकता है, मतलब कुछ भी हो सकता है, लेकिन आप लोगों को अपने फ़ोटोज़ को यहाँ से एडजस्ट कर लेना है, ठीक है। यहाँ पर एडजस्ट करने से पहले ना आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है फॉर्मेट का, फॉर्मेट भी क्लिक करोगे फिर आपको यहाँ पर फिल हो रहा होगा, फिट हो रहा होगा, लेकिन आपको यहाँ पर 9 वाला रेशो ऐड करना है। उसके बाद अपन को यहाँ से अपने फ़ोटोज़ को एडजस्ट करना है, हर एक फ़ोटो पे क्लिक करके आपको अपने हिसाब से एडजस्ट कर देना, ठीक है। जैसे कि इस फ़ोटोज़ को भी मैं कर लेता हूँ, इस तरीके से आपको सारे एडजस्ट कर लेना, ठीक है। जैसे कि मैंने पहले से करके रखे हुए हैं, ठीक है। इसके बाद ना यहाँ तक आपके जो आप मतलब जो आपका स्टेटस बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको यहाँ से एक ऑडियो का ऑप्शन मिलेगा, ऐड ऑडियो, ठीक है। अपन को ऐड ऑडियो पर जाना है, और आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन मिलते हैं, ठीक है। आपको यहाँ पर फर्स्ट सेकंड थर्ड, आपको हमें इस ट्रैक के ऊपर जाना है। मैं आपको एक वीडियो का लिंक दूंगा, उस वीडियो का आपको ऑडियो करना है। वो कैसे करना है, जैसे कि ये वो वीडियो है, इस पर आपको उनको वीडियो पे क्लिक करना है, और यहाँ पर इंपोर्ट साउंड ओनली आ रहा है, ठीक है। इस पर आने के बाद इसका जो साउंड है ना वो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। जैसे कि अभी आप देख सकते हो, इसका जो साउंड है वो यहाँ पर आ जाएगा, वीडियो नहीं आएगा, ठीक है। इस तरीके से आपका स्टेटस वीडियो यहाँ तक कंप्लीट बन जाएगा। अब अपन को क्या करना है, अपन को यहाँ पर मतलब ऑडियो के अंदर है ना, अपन को बीट ऐड करना है, फोटो के साथ अपन को एडजस्ट करना है। वो आपको कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। पहले मैं ना इसके अंदर साउंड के अंदर बीट ऐड कर देता हूँ। आपको ऐड कैसे करना है, आपको यहाँ पर मैच कट पे क्लिक कर देना है, और आपका ये ऑडियो यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। इस तरीके से आपको ऐड करना है। देखो मैं आपको पहले ना बता देता हूँ कि आपको कैसे ऐड करने हैं। जैसे कि मैं पहले ऐड खुद ऐड कर लेता हूँ, फिर मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। अब जैसे कि ना मैंने यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर सारे मतलब ऐड कर चुका हूँ मैं, ठीक है। यहाँ से देख सकते हो, अब मैं यहाँ पर ऐड कर चुका हूँ, जैसे कि अभी आप देख सकते हो, ठीक है। इसके अंदर आप लोग ऐड कैसे करने हैं, मैं आपको यहाँ पर मैच कट पे जाके बता देता हूँ। जैसे कि अभी आप देख सकते हो गाइस, ठीक है। फर्स्ट वाला आप देखो मैंने यहाँ लगाया हुआ है। आप इन्हें क्या कर सकते हो, आप इन्हें यहाँ पर मतलब जैसे कि मैंने यहाँ पर अभी मैंने यहाँ ले लिया, ठीक है। यहाँ पर कितना, यहाँ पर 5 यहाँ पर ऐड हो रहे हैं, ठीक है। 5 पॉइंट मैंने यहाँ पर ऐड कर दिए, तो आप यहाँ पे इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या फिर ना आप इसको रो पॉज करके देख सकते हो, ठीक है। यहाँ से देख लेना मैंने कहाँ कहाँ पर एडजस्ट करके रखा हुआ है, ठीक है। जैसे कि अभी आप देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पर 5 तो मैंने यहाँ ऐड कर रखे हैं, जैसे कि अभी आप देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पर आप इसको स्क्रीनशॉट के साथ ऐड कर सकते हो, ठीक है। अब बाकी के जो है ना वो यहाँ पर है, जैसे कि यहाँ पर बीट उठा हुआ है तो यहाँ पर एक पॉइंट लगा हुआ है, एक यहाँ पर बीट है तो फिर मतलब यहाँ पर एक साउंड उठा हुआ है तो यहाँ पर भी एक यहाँ पर डॉट लगा रखा है मैंने। इस तरीके से अब ये जल्दी जल्दी हो रहे हैं, मतलब जैसे कि एक साउंड यहाँ पर है, एक साउंड यहाँ, एक साउंड यहाँ, ठीक है। इस तरीके से ना आपको यहाँ पर है ना साउंड के साथ में एडजस्ट कर लेना है, जैसे कि अभी आप देख सकते हो, ठीक है। इस तरीके से आपको एडजस्ट कर लेना है, जहाँ जहाँ पर भी साउंड का जो मतलब थोड़ा उठा हुआ हो ना वहीं पर ही आपको ऐड कर देना है। ऐड कैसे करना है, यहाँ पर ये ऐड बीट कर देना है, ठीक है। अगर गलत हो जाए तो आप यहाँ से इसको ऐड डिलीट कर देना, ठीक है। डिलीट बीट इस तरीके से आपको कर देना है, जैसे कि अभी आप देख सकते हो, ठीक है। अब जैसे कि मैं यहाँ पर करूँ तो मैं यहाँ पर भी इस तरीके से आपको एडजस्ट करते चले जाना, ठीक है। लेकिन मुझे यहाँ पर नहीं करना, मैंने इसके अंदर अच्छे से पहले से एडजस्ट करके रखे हुए हैं। तो अभी आप देख सकते हो यहाँ पर जो बीट के साथ साथ आपको एडजस्ट कर देना है, ठीक है। सबको मैंने आप सबको यहाँ पर पॉज करके कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर आप इसको एडजस्ट करोगे तो आप यहाँ पर इसको राइट क्लिक कर लेना, और राइट क्लिक करने के बाद में यहाँ तक तो अपना ऐड हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ऐड होने के बाद में ना फिर आपको क्या करना है, आपको यहाँ से फोटो मतलब बीट पर, जैसे कि एक बीट है यहाँ पर बीट है ना, तो अपन को यहाँ पे बीट पे क्लिक करके यहाँ पर फोटो को आपको स्प्लिट कर देना है, और स्प्लिट करके अगला फोटो डिलीट कर देना है। कैसे वो अभी आप देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर, मैं आपको बता देता हूँ मैंने क्या पहले से ऐड करके रखे हुए हैं।
तो यहाँ पे इस तरीके से आपको एडजस्ट करते हुए चले जाना है, इस तरीके से एडजस्ट करते हुए चले जाना है आप लोगों को, जैसा भी आपने स्क्रीन पे देख लिया, ठीक है। तो चलो इसके बाद आप यहाँ पर इसको एडजस्ट कर लोगे। इसको एडजस्ट करने के बाद में ना अपन यहाँ पर क्या करेंगे, अपन फोटोज़ के अंदर अपने ट्रांजेक्शन ऐड करेंगे। ट्रांजेक्शन कैसे ऐड करना है मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। ट्रांजेक्शन आपको ऐसे ऐड करना है, एक फर्स्ट वाले फोटो पे क्लिक करना है और आपको यहाँ पर एनिमेशन पे जाना है। एनिमेशन पे जाओगे ना आपको मतलब VPN कनेक्ट होना चाहिए, वरना ये आपको एरर बता देगा, ठीक है। VPN यहाँ पर काम आता है, ठीक है, इसलिए आपको VPN का यूज़ करना ज़रूरी है। अभी मैं यूज़ नहीं कर रहा, बट मैंने बहुत पहले करा था, फर्स्ट टाइम यूज़ करना है, ठीक है। अब यहाँ पर अपन को इन एनिमेशन पे जाना है। इन एनिमेशन पे जाने के बाद में ना आपको यहाँ पर बहुत सारे इफेक्ट मिलते हैं, ठीक है। आपको यहाँ पर बहुत सारे एनिमेशन मिलते हैं, ट्रांजेक्शन मिलते हैं, लेकिन अपन को यहाँ पर इस तरीके से एडजस्ट कर देना है। कैसे एडजस्ट करना है, जैसे कि मैं आप यहाँ पर देख सकता हूँ, ठीक है। अपन को कौन सा वाला ऐड करना है, अपन को यहाँ पर स्विंग बोट वाला करना है, बॉटम वाला, ठीक है। जैसे कि देख सकते हो आप, स्विंग बॉटम वाला करना है इस तरीके से। अब इसके बाद ना आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, आप लोगों को सेकंड वाले फोटो में भी स्विंग बॉटम वाला ही करना है। अब मैं आपको सबसे आसान तरीका बताता हूँ। अब पता है बहुत से लोग कैसे करते हैं, फर्स्ट फोटो पर क्लिक कर दिया, इसको राइट क्लिक कर देंगे, अब वापस सेकंड फोटो पर जाएंगे, और फिर वापस सेकंड फोटो पर जाने के बाद एनिमेशन पर जाएंगे, फिर इन पर जाएंगे, फिर वापस उस बॉटम को ढूंढेंगे, ठीक है, मतलब उस इफेक्ट को ढूंढेंगे, जैसे अभी देख सकते हो आप स्विंग बॉटम, ठीक है। लेकिन अपन को क्या करना है, अपन को करना है यहाँ पर पहले पे दूसरे पे ऐड कर दिया, अब अपन को क्या करना है, अपन को थर्ड वाले फोटो पर क्लिक करना और इसको यहीं रोक देना है, ठीक है। अपन यहाँ पे इसको रोक देना है, जैसे कि इस पर क्लिक करा, इस पर क्लिक करने के बाद में ना अपन को क्या करना है, अपन को यहाँ पर एक फिंगर तो फोटो पे ऐड करनी है, दूसरी फिंगर ट्रांजेक्शन को रोकना है, ठीक है। इस पर रोका, फिर इस पर रोक लिया मैंने, ठीक है। इस तरीके से आपको सारे फोटोज़ के अंदर जब यही वाला ऐड कर देना जो अभी मैं आपको बता रहा हूँ, स्विंग बॉटम वाला, ठीक है। इस तरीके से इसके अंदर देखो यहाँ पर कम बर्ती बोल रहा, ठीक है, मैं यहाँ पर पूरे पे ऐड करूँगा इस तरीके से, ठीक है। सेकंड वाले फोटो मतलब नेक्स्ट फोटो पे क्लिक करना है, स्विंग बॉटम पे क्लिक करना है, इस तरीके से अपन को इसके अंदर एडजस्ट करते चले जाना है, ठीक है। इस तरीके से एडजस्ट करते चले जाना है, जैसे कि अभी आप देख सकते हो, ठीक है। सारे फोटोज़ के अंदर आप लोगों को मतलब स्विंग बॉटम वाला ही ऐड करना है, इसके अलावा कोई और सा आपको ऐड नहीं करना, स्विंग बॉटम वाला ही आपको ऐड करना है, ठीक है। इससे आसान तरीका कुछ भी नहीं जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। इस तरीके से आपको ऐड करना है, ठीक है। इस तरीके से ऐड करने के बाद में आपका जो स्टेटस वीडियो ना वो कंप्लीट तरीके से बन जाएगा। तो चलो जैसे कि मैं यहाँ पे सबके अंदर जो है ट्रांजेक्शन ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। जैसे कि अभी देख सकते हो आप, मैं यहाँ पे सबके अंदर ट्रांजेक्शन ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। अब कितने बच्चे यहाँ पर, कम बच्चे मतलब, ठीक है, इस तरीके से इसके अंदर बच्चे, चलो मान लो जैसे कि मैंने सब में ऐड कर लिया, ठीक है। इस तरीके से आपका एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। अब इस तरीके से एडजस्ट होने के बाद में ना जो साउंड के साथ में ये बहुत अच्छे से वर्क करेगा, तो मैं सबके अंदर ट्रांजेक्शन ऐड कर लेता हूँ। अब जैसे गाइस आप देख सकते हो, मैं सबके अंदर ट्रांजेक्शन ऐड कर चुका हूँ। अब चलो अपन वीडियो को प्ले करके देखते हैं, हो सकता है गाइस मतलब वीडियो को वापस से अपन इस वीडियो को प्ले करके बताते हैं ना, मतलब रिकॉर्ड करते टाइम किसी वीडियो को प्ले करते हैं थोड़ा सा आगे पीछे हो जाता है, तो आप लोग ये मैं सोचना कि इफेक्ट गलत डल गया। वैसे आप लोग क्या करना, आप लोग अपने हिसाब से भी एडजस्ट कर लेना बिल्कुल अच्छे से इसके अंदर, ठीक है। जैसे कि मैंने कर रखा, ठीक है, इस तरीके से आपको अपने हिसाब से मेरे का माइक लगा हुआ है, ठीक है, इस तरीके से।